हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कोड का बटन होल यानी कि कोड का काज कैसे बनाते हैं और किस तरह बनता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, लगभग 5-6 मिनट का ये वीडियो है। आप अच्छे से देखो, सीख जाओगे, बहुत ही अच्छे से काज बनाना सीख जाओगे आप। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखो दोस्तों। तो देख सकते हो आप काज किस तरह बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने कोड का काज जिस साइड में वेल्थ पॉकेट लगा होता है यानी कि लेफ्ट साइड की ओर, उस साइड में अपने पहले निशान लगाते हैं पॉकेट का बिल्कुल सेंटर लेते हुए, बोन पॉकेट होता है जो उसका। और दूसरा निशान ऊपर लेते हैं अपने नपेल से लगभग 1.5 इंच नीचे, और दोस्तों सामने में इस तरह निशान लगा लेते हैं 1/2 इंच छोड़ के। और इसके बाद में काज की चौड़ाई के लिए निशान लगा लेते हैं 1 इंच से 1 सूत कम का। तो इसके बाद में काज को कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग किस तरह करनी है काज की, आपको इस तरह से पकड़ना है और कैंची से इस तरह से कटिंग करनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद में जहाँ पे निशान लगाया उसे हल्का सा पीछे रोकना और इस तरह आपको टुकड़ी सी निकाल देनी है, एक नोच बना लेना है, जैसे कि अपने बोन कटिंग करते हैं उस तरह से कटिंग कर लेते होते हैं क्रॉस में। तो आपको मैं दिखाऊंगा अच्छे से, देखिए इस तरह से काज को कटिंग करते हैं। अब इसको देखिए अच्छे से, इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से इसकी कटिंग करनी है, यहाँ पे निशान से हल्का सा पीछे रोकना और इस तरह से थोड़ा क्रॉस में इस तरह कटिंग करके ये टुकड़ी निकाल देते हैं इस तरह। तो इसके बाद में यहाँ पे जितना निशान किया हुआ है 1 इंच से 1 सूत कम का, इतना काज जोड़ा अपने काट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने सुई में 2 धागे डाल लिए हैं डबल लेयर का। तो इसके बाद में दोस्तों ये कच्चा करेंगे काज, पहले कच्चा करने के बाद में फिर से पक्का करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों धागे में कोई सलवट वगैरह नहीं डालना है, कोई आंट वगैरह नहीं लगानी है, सीधा ही इसको एक बार इस तरह चारों ओर निकाल लेना है। तो मैं थोड़ा तेज़ करता हूँ वीडियो ताकि ये जल्दी से इस तरह कंप्लीट हो जाए। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैं इसमें कोई आंट वगैरह नहीं डाल रहा, सीधा ही कोई वड़ जैसा कुछ भी आप कहो वो मैं नहीं डाल रहा इसमें, सिंपल ही मैं इसको इस तरह सुई को निकालता हूँ बिल्कुल पास में, ताकि जिससे कि धागे वगैरह ना निकलें। और काज आगे 3 लेयर के धागे से करेंगे तो काज काफ़ी अच्छा बन जाता है इस तरह। दोस्तों आप ये तरीके को फॉलो करोगे तो आप मेरे से भी अच्छा काज करने लग जाओगे, ये मैं यकीनन गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इस तरह से इसको कर लेना है चारों ओर से पूरा। तो देख सकते हो आप मैं किस तरह से कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और वीडियो भी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा किस तरह से मैं काज कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश किया है कि वीडियो काफ़ी अच्छे से बने और आप अच्छे से सीख पाओ। तो इस तरह से आपको एक बार काज को कच्चा कर लेना है इस तरह से। दोस्तों काज को कच्चा करने के बाद में अभी पक्का करना भी आपको दिखाऊंगा और अच्छे से दिखाऊंगा कि काज किस तरह से बन जाता है। इस तरह से कच्चा हो चुका है अपना काज, अब इसको काट लेंगे। तो ये दोस्तों कच्चा हो चुका है काज, अब दोस्तों इसको पक्का करेंगे। तो पक्का अपने 3 लेयर के धागे से करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो मैं 3 लेयर का धागा डाल चुका हूँ आप सुई में। तो ये देखिए आप, ये 3 धागे हैं, ट्रिपल धागे से काज करेंगे अब। तो देखिए दोस्तों किस तरह से काज को अब बनाना है, इसी तरह से अंत में आप एक आंट लगा लें, गांठ लगा लें। तो इसके बाद में दोस्तों जहाँ पे अपने पहले सुई निकाली हुई है वहीं पे सुई को निकालना है। इस तरह से आपको ऊपर सलवट डालते हुए चलना है, इस तरह से आपको धागे के ऊपर आंट लगाते हुए काज को करना अच्छे से। देखिए ये इस तरह से आपको एक ही साइड से निकालना है, आप इस तरह से देखिए इसी साइड से ही निकालना है, ना कि कभी पीछे ना कभी आगे, जैसे कि ये मैं आगे से निकाल रहा हूँ तो आगे से ही आपको निकालना है हर एक बार। तो इस तरह से आपको करते चलना है, पूरा काज बना लेना है। मैं थोड़ा सा हल्का सा तेज़ कर रहा हूँ ताकि जल्दी से आपका काज पूरा दिखाया जाए आपको। तो इस तरह से आपको बिल्कुल पास पास में चलते जाना है और अच्छे से काज करते जाना है। तो देख सकते हो दोस्तों आप किस तरह से मैं कर रहा हूँ इस पर। तो दोस्तों आप ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
घंटी प्रेस करें, ऑल पे करें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों देख सकते हो आप काज किस तरह बनाया जा रहा है। अभी देखिए आप अच्छे से, इस तरह से जैसे अपने इसको राउंड कटिंग किया था सामने में, तो उसी तरह राउंड करते हुए काज बना लेना है। अब देखिए आप कितना अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अपने कोट का काज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से एक ही साइड में आपको धागे की लेयर उठानी है, ना कि आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो आपका काज अच्छा फिनिशिंग में नहीं आएगा। तो आप इस बातों का ध्यान रखें, बस इससे आपका काज काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो देख सकते हो आप मैं किस तरह बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप ये ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो तो रेगुलर देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपका इसमें कोई खर्चा नहीं लगने वाला, बिल्कुल फ्री है। तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। तो इस तरह से दोस्तों काज को अपने अंत तक ले आएंगे करते हुए। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसी तरह से बस एक ही साइड में सुई निकलनी चाहिए धागे के अगली साइड, ना कि पीछे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपना ये काज पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप काज को बांध लेना। इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों काज कितना शानदार बना है। तो आप इससे भी अच्छा बना सकते हो अगर आप इसी तरह से इस तरीके को फॉलो कर लोगे तो। तो दोस्तों आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और लाइक वाला बटन ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों।